हमारी मेन कैरेक्टर ने जब वो अपने कॉलेज में थी तो एक डॉग को प्लीज किया था। अब बहुत साल गुजर चुके थे और उसकी शादी होने वाली थी, तो ये बात क्या उसे अपने फियांसे को बताना चाहिए, इस बात को लेकर वो ज़रा स्ट्रगल करती है। अब आगे क्या होगा ये हम आज की हमारी मूवी स्लीपिंग डॉग्स लाय 2006 की एक हॉलीवुड कॉमेडी मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर एमी को कॉलेज में देखते हैं। उसे एक अजीब सा आइडिया आया और अपने डॉग को प्लीज़ कर दिया। ये सब करने के बाद उसे तुरंत रिग्रेट होता है, उसको थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा था। वो सोचती है कि इस बात के बारे में वो किसी को भी बता नहीं सकती क्योंकि बहुत ही अजीब होगा। जैसे टाइम गुजरता गया वैसे इसके बारे में वो ज़्यादा सोचती नहीं थी। उसके अब तक जो भी बॉयफ्रेंड्स रहे थे उनके साथ उसकी रिलेशनशिप उतनी अच्छी थी नहीं, पर अब वो जॉन के साथ थी और जॉन उसे बहुत ही प्यार करता था। एमी भी उसके साथ बहुत ही सीरियस थी। वो अब सोचने लग गई थी कि क्या अब अपनी गलती के बारे में उसे जॉन को बताना चाहिए। उसे लगता था कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो जॉन के साथ में पार्क में आई थी और इसके बारे में सोच रही थी तो जॉन पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। जॉन ने कहा कि सबसे ज़्यादा मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। अपने कॉलेज के इंसिडेंट के बाद वो डॉग्स को उतना ज़्यादा लाइक नहीं करती थी और जॉन के पास एक डॉग था। एक रात जब वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे तो जॉन ने एमी के लिए एक पेपर लाया। वो कहता है कि फर्स्ट टाइम मेरा पेपर में एक आर्टिकल आया, वो राइटर बनना चाहता था, तो एमी भी इसके लिए बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती है। इसमें एमी ने पढ़ा तो इसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और ये जॉन की तरफ से था। एमी इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, उसने इसके लिए उसे हाँ कह दिया। इनके पास एक टॉय था जिसे जॉन उसे ओपन करने के लिए कहता है। ओपन करने के बाद इसमें से एक रिंग निकली। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एमी कहती है कि तुम मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ। जॉन ने कहा कि मैं भी तुम्हें कुछ भी बता सकता हूँ। उसे उसका एक सीक्रेट बताने के लिए कहती है। जॉन कहता है कि जब मैं 20 ईयर्स का था तो मैंने खुद को प्लीज किया था और मुझे लगा था कि मैं मर जाऊँगा। एमी कहती कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, पर ये बताने के बाद शायद शर्म से ही मैं मर जाऊंगी। जॉन ये सुनकर बहुत ही सीरियस हो गया था, तो एमी डर जाती है। वो अब उसे वो बात नहीं बताना चाहती थी। उसने रूम में उसका और उसके फ्रेंड का फोटो देखा तो जॉन को कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई थी। जॉन को ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है और फिर से उसके साथ वो इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद एमी को हम उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो टीचर थी। उसका एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड था जिसका नाम था एड। एड और वो हमेशा हर एक चीज़ के बारे में बात करते थे। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। एमी उससे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड कहता है कि सचमुच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड को डेट करने लग गया था तो उसके पैरों की बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। मैं हमेशा उनसे दूर हो जाता था तो इस बात को लेकर हम में झगड़े होते थे। मैंने फिर उसे सब कुछ ऑनेस्टली बता दिया था। अगर मैं सच नहीं बताता तो हम दोनों में दरार पड़ जाती। लॉन्ग टर्म के लिए सच बोलना ही सही होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमी से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आई थी। जब वो जा रही थी तो जॉन उसे बहुत ही ऑकवर्डली हग करता है। उसे एमी और उसके फ्रेंड की रिलेशनशिप के बारे में पता था, ये इसी की वजह से था। एमी और जॉन ने अब डिसाइड किया था कि एमी के पेरेंट्स के यहाँ पर हो जाएंगे और अपनी शादी के बारे में बात करेंगे। एमी नहीं चाहती थी कि जॉन का डॉग भी उनके साथ चले, पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एमी घर जाते वक्त बहुत ही नर्वस थी। वो कहती है मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉन भी जरा नर्वस था, पर एमी ने कहा कि तुम उन्हें बहुत ही पसंद आओगे। मेरे फादर भी हमेशा से राइट करना चाहते थे पर कभी भी उन्होंने किया नहीं। तुम भी राइटर बनना चाहते हो तो ये बात उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। जॉन ने कहा कि मैं न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करता हूँ, मैं एक्चुअल में अब तक राइटर नहीं बना हूँ। पर फिर भी एमी उसे कॉन्फिडेंस देती है। एमी के पेरेंट्स को स्मोकिंग अच्छी नहीं लगती थी, पर एमी और जॉन ने दोनों स्मोक कर कर आए थे। एमी के पेरेंट्स ने दरवाज़ा खोला और एमी की मदर जॉन को गले लगा दिया। वो कुछ स्मेल कर रही थी तो जॉन ने कह दिया कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, पर वो एक्चुअली स्मेल जॉन के डॉग की टट्टी का था। ऐसे एक वियर्ड से इंट्रोडक्शन के बाद ये सब घर में आते हैं। जॉन कहता है कि मैं ये मेस साफ कर देता हूँ। उसके साथ एमी के फादर भी आए। फादर ने कहा कि मैं और मेरी वाइफ फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ तब इंटीमेट हुए थे जब हमारी शादी हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ कि आजकल का वक्त बदल चुका है, पर हमारे सामने तुम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उन दोनों को उन्होंने सेपरेट सेपरेट बेडरूम्स दे दिए। घर में अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि एमी का ब्रदर जिसका नाम था डग ही, उसकी जॉब चली गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई थी, तो डिप्रेशन में आकर वो फिर से अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। एमी के पेरेंट्स को हमेशा से परफेक्ट लगती थी, तो हमेशा उसे वो डायमंड गर्ल बुलाते थे।
डिनर के वक्त बचपन से लेकर आज तक एमी ने जिन भी कंपटीशन में एक्सेल किया है, इन सारे कंपटीशन के रिजल्ट, ट्रॉफीज, ये सब कुछ वो जॉन को दिखाते हैं। ये दिखाते वक्त वो बहुत ही प्राउड थे। जॉन को एक्चुअल में एमी के बारे में ये सब चीज़ें पता थी, पर फिर भी वो बहुत ही सरप्राइज्ड है, इस तरीके से प्रिटेंड करता है। उसने अपने जॉब के बारे में भी बताया। एमी का ब्रदर डगी इन सब बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और अपने रूम में जाकर वो ड्रग्स करने लग गया था। रात में जब ये अलग अलग रूम में सोने के लिए जा रहे थे तो एमी कहती है कि रात में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इन दोनों को एमी के पेरेंट्स ज़्यादा पास भी आने नहीं देते। बीच रात में जॉन के पास आकर डगी स्मोक कर रहा था। वो जॉन से भी पूछता है पर जॉन इसके लिए मना करता है। थोड़ी देर में कीबोर्ड लेकर वो उसे बजाने लग गया। जॉन रात भर सो नहीं पाता। सुबह होने पर ये सब चीज़ें जॉन एमी को बता देता है। ब्रेकफास्ट के वक्त एमी और उसकी मदर बात कर रही थी और मौके का फ़ायदा उठाकर जॉन एमी के फादर के पास जाता है। मदर समझ गई कि जॉन किस बारे में बात करने वाला है। एमी ने कहा कि आपको कैसे पता? मदर कहती है जिस वक्त तुम्हारे डैड मेरे फादर से बात करने के लिए गए थे उस वक्त वो इसी तरीके से डरे हुए थे। जॉन ने फादर को एक कन्फेशन किया कि एक्चुअल में पेपर में तो काम करता है पर इसे सिर्फ वो डिलीवर करता है, पर वो राइटर बनना चाहता है। फादर कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो ये बात कुछ अलग होती है। इसके बाद वो एमी को लेकर बात करने लग गए। फादर कहते हैं कि एमी मेरी बहुत ही अच्छी बेटी है। जॉन कहता है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, अगर मैं राइटर नहीं बन पाया तो भी मैं ज़िंदगी काट लूँगा, पर अगर एमी मेरी लाइफ में ना हो तो ये बहुत ही हार्ड बन जाएगी, मैं उसके बिना जी नहीं सकता और उसी वजह से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फादर ने इसे लेकर ज़रा सोचा और इसके लिए उसे परमिशन वो दे देते हैं। पैरेलल में एमी और उसकी मदर बात कर रहे थे। एमी कहती है कि एक सीक्रेट है जो मैं जॉन को बताना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। मदर कहती कि कुछ सीक्रेट्स तुम्हें छुपा कर रखने चाहिए। जैसे कि एमी के फादर को लगता था कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हैं, पर एक्चुअल में एमी की मदर किसी और के साथ भी इंटीमेट हुई थी। एक बहुत ही अमेजिंग अमेरिकन सिंगर को लेकर वो और उसके रूममेट, इन दोनों में झगड़ा हुआ था। ये सब बातें उसने कभी भी एमी के फादर को नहीं बताई थी। इसको लेकर एमी बहुत हंसती है। रात में ये सब जब डिनर कर रहे थे तो डगी का फ्रेंड आया और उसके साथ बाहर जा रहा था। मदर डगी के फ्रेंड को डिनर में ज्वाइन होने के लिए कहती है तो वो भी मान जाता है। डिनर के बाद उन्हें बाहर जाना था पर मदर ने कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर गेम खेलें। इसके लिए डगी का फ्रेंड हाँ कहता है और डगी इससे बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया, अपने रूम में जाकर फिर से वो ड्रग्स करने लग जाता है। जब इनका गेम ख़त्म हो जाता है तो डगी ने अपने फ्रेंड से पूछा क्या तुम्हारे पास मेरा सप्लाई है, पर फ्रेंड कहता है कि आजकल कोई भी सप्लाई मिल नहीं रहा। डगी इस बात से बहुत ही अपसेट हो गया। अपने गैराज की सीलिंग में वहीं पर वो अकेला बैठ जाता है। रात में सब सो गए थे, एमी और जॉन पर नज़र रखने वाला कोई भी नहीं था, तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर एमी जॉन को गैराज में लेकर आती है। ये दोनों फिर से एक दूसरे को सेक्स स्टोरीज बताने लग गए। एमी को लगता है कि उसे सब कुछ सच सच जॉन को बता देना चाहिए और वो बता भी देती है। ये सारी बात जॉन को बहुत ही अजीब लगी, उसे सांस भी नहीं आ रही थी। एमी ने कहा कि मैंने सब कुछ झूठ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर जॉन इस बात को नहीं मानता। एमी सच बोल रही या झूठ ये सब वो पहचान सकता था। वो उसे दूर हो जाता है। एमी उसके पास आने की कोशिश करती है, उसे डिसगस्टिंग लग रहा था। एमी ने कहा कि मुझे तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था, अब तुम मेरे पास भी आ नहीं सकते। जॉन को बुरा लगा, उसने उसे हक किया पर फिर भी उसे टच नहीं कर पा रहा था। वो अपने रूम में जाकर बहुत रोए। ये जो भी सब हुआ था ये सब कुछ बातें डगी ने सुन ली थी। इसे और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होकर स्मोक करने लग जाता है। जॉन भी टेंशन में आ गया था तो वो भी स्मोक करने लगता है। मदर ने एमी की हालत देखी, उसने कहा कि जॉन को तुम्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में हुआ क्या था इसके बारे में मदर को कोई भी आइडिया नहीं थी। मदर जाकर जॉन से बात करती है। उसने कहा कि इस तरीके से तुम्हें मेरी डॉटर को अपसेट नहीं करना चाहिए। सब चीज़ें बताना उसके लिए बहुत ही हार्ड था। अगली सुबह जब ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो डगी का कॉन्फिडेंस तो बहुत ही बढ़ चुका था। हमेशा उसके पेरेंट्स उसे बहुत ही घटिया समझते थे, पर एमी की बात अब उसे पता चल चुकी है। एक्साइटमेंट में आकर सबको ये बात वो बता देता है। फादर ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि डगी झूठ बोल रहा है और उसे कुत्ते जैसा मारते हैं। एमी ने फादर को बताया कि ये सब कुछ सच है। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को बहुत ही धक्का लगा था। एमी के पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे थे तो यहाँ से जाने का वो डिसाइड करती है। फादर ने एमी को तो कुछ भी नहीं बोला, पर जब वो मदर के पास आए तो मदर ने कहा कि तुम मेरी बेटी हो, ये बात बोलने से भी मुझे शर्म आ रही है। इसके बाद ये घर पर आते तो जॉन और एमी के बीच में भी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था।
जॉन ने इस बात को अब तक जाने नहीं दिया है। एमी का कोवर्कर एड रियलाइज करता है कि एमी जरा डिस्टर्ब है। उसे पूछता है कि हुआ क्या। एमी ने कहा कि मैंने एक बहुत ही घटिया चीज की थी, उस वजह से सब लोग मुझ पर नाराज है। एड कहता है कि क्या तुमने किसी को जानबूझकर हर्ट किया था। एमी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एड ने कहा कि ये सिर्फ एक गलती थी, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा फील नहीं करना चाहिए, तुम एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो और ये बात बदल लेने वाली है। रात में एमी रूम से डॉग के साथ बाहर आए तो जॉन एक ही चीज़ इमेजिन करता है। एमी ने कहा कि तुम इस तरीके से नहीं सोच सकते, मैंने जब वो सब किया था तो मैं बहुत ही छोटी थी और वो सिर्फ एक गलती थी। जॉन भी फिर इस बात को जाने देता है। ये दोनों इंटीमेट होने लग गए, पर जॉन एमी को डॉग के साथ ही इमेजिन करता है। एमी ने कहा कि मैं मेरी फ्रेंड के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी, वो सिर्फ डॉग की बात मुझे नहीं बतानी थी, उसी वजह से मैंने बोला हुआ था। जॉन ने कहा कि क्या तुम मेरे डॉग के साथ भी वही चीज़ कर सकती हो। एमी इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा अब हम दोनों कपल नहीं रह सकते, ब्रेकअप कर वो वहाँ से चली जाती है। एमी ने अपने पेरेंट्स को कॉल लगाया तो उसके फादर उससे बात करते हैं, पर उसकी मदर उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। वो फादर को आई लव यू कहती है, तो फादर भी कहते कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जो भी सब हुआ था ये सब एमी ने अपने फ्रेंड को बताया। फ्रेंड कहती कि जॉन बहुत ही घटिया था, वो मुझ पर भी लाइन मारता था। एमी के पास अब खुद का अपार्टमेंट नहीं था तो उसे फ्रेंड के पास ही सोना पड़ता है। रात में उसे अपने फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड की आवाज़ आती थी जो उसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो अपने कोवर्कर फ्रेंड एडी के साथ अपार्टमेंट ढूंढने लग जाती है। अगले दिन एमी को उसकी मदर का कॉल आया। एक्चुअल में उसकी मदर लॉयर को कॉल करना चाहती थी पर गलती से एमी को लग गया था। एमी पूछती कि क्या हुआ। मदर ने कहा कि एक रॉबरी हुई थी और वहाँ पर पुलिस को डगी की कार मिली। वो घर पर ही था, उसने कुछ भी नहीं किया था, पर फिर भी उसे अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद एमी को एड का कॉल आता है। एड ने कहा कि मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है, मुझे लग रहा था कि हमारे मैरिज में कुछ ऑफ है, तो मैं उसे सरप्राइज देने के लिए गया तो किसी और के साथ वो इंटीमेट हो रही थी। एमी फिर उसे अपने घर बुला लेती है, उसने उसे सहारा दिया। एड कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूजर हूँ। एमी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों पास आ गए थे तो इंटीमेट होने लग गए। एड कहता है कि मेरे साथ इंटीमेट मत हो, मैं बहुत ही फैट हूँ। एमी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अमेजिंग हो। उसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। एड की वाइफ हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती थी, उसे उसके खुद के बारे में बैड फील कराती थी। इसके बाद एमी और एड की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी। एमी को एक नई अपार्टमेंट मिल गई थी तो जॉन के अपार्टमेंट से उन्हें कुछ सामान लाना था, तो एड भी उसके साथ आता है। दोनों मिलकर सारी शिफ्टिंग करते हैं, दोनों बहुत खुश थे। तभी अचानक से एमी को घर से कॉल आया। एमी की मदर को ब्रेन में एनुरिज्म होकर उसकी डेथ हो गई थी। एड उसे सहारा देता है और उसे अपने फादर के पास जाने के लिए हेल्प किए। एमी ने कहा कि मेरी फैमिली बहुत ही वियर्ड है, पर एड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मदर के मरने के वक्त वो खाना खा रहे थे तो उसकी प्लेट्स भी डैड ने वैसे ही रखी थी। एमी अपने फादर का ख्याल रखती है। अब तक एमी के ब्रदर डगी को कुछ भी पता नहीं था और वो अब जेल में है। एमी कहती कि मैं जाकर ये बात उसे बता कर आऊँगी। अगले दिन वो जा रही थी तो एड उसे पिकअप करने के लिए आया। एमी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एड ने कहा कि जेल में जाना है बहुत ही हार्ड होगा, मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही लाइक करता हूँ। एमी ने डगी को मदर के बारे में बता दिया। डगी ने पूछा कि ऐसा हुआ क्यों। एमी कहती कि शायद स्ट्रेस की वजह से आया। डगी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसे लगता है कि वो जेल में है, शायद इसी वजह से उसकी मदर ने टेंशन लिया होगा। पर बाद में उसे याद आया कि एमी की सिचुएशन भी चल रही थी। वो सारा ब्लेम एमी पर डालता है। उसने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। एमी और एड फिर यहाँ से चले जाते हैं। एड पूछता है कि डगी किसके बारे में बात कर रहा था। एमी इसका उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। वो इरिटेट होगी और कहती है कि तुम अपने घर चले जाओ, ये एक फैमिली मैटर है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। इस बात से एड हर्ट हो गया था। मदर का फ्यूनरल होने के बाद एमी फिर से स्कूल में आई। वो एड से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, तुमने मेरे कॉल्स भी नहीं लिए। एड कहता है कि मुझे लग रहा था तुम्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि मैं और मेरी वाइफ फिर से अब एक साथ है, हम दोनों थेरेपी वगैरह कर रहे हैं तो शायद सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हो जाएगी। इसमें गलती एमी की थी, उसने एड को दूर कर दिया था। एमी को बहुत ही बुरा लगता है। एड ने उसे एक ओरिगामी गिफ्ट किया था जिसे वो जला देती है। रात में एमी घर पर स्मोक कर रही थी तो उसके फादर उसे मिलने के लिए आ गए। एमी इसे बुझाती है पर फादर ने कहा कि मुझे हमेशा से पता था तुम स्मोक करती हो, सिर में नहीं चाहता था तुम्हें यह बात पता चले। एमी की मदर ने उसके लिए एक लेटर लिखा था, ये पोस्ट करना वो भूल गई थी, जो वो एमी को दे देते हैं। इसमें मदर ने लिखा था कि मैंने जिस तरीके से तुम्हें ट्रीट किया इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने कुछ गलत किया ही नहीं था, ये सिर्फ एक तुम्हारी छोटी सी गलती थी, तुम हमेशा मेरी डायमंड गर्ल रहोगी,
ये पढ़ने के बाद एमी के आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत रिलीव्ड लगा था। फादर और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। फादर ने भी कहा कि तुम भी मेरी हमेशा डायमंड गर्ल ही रहोगी। फादर एमी से पूछते हैं, क्या तुम्हारी मदर का भी कोई सीक्रेट था? एमी नहीं चाहती थी कि कभी भी फादर को मदर का सीक्रेट पता चले, तो इस बात पर वो हंस देती है। कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन एमी एड से मिलने के लिए गई। कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एमी कहती कि मुझे पता है कि तुम अपने मैरिज को सुधारना चाहते हो, पर रिस्पेक्टफुली मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एड ने कहा कि हम दोनों की सिचुएशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। उसकी वाइफ फिर से उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। एड कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे डरने लग गया हूँ। तुम्हारा सीक्रेट तुम मुझे कभी भी बताती नहीं। एमी ये बताना चाहती थी और वो ज़रा नर्वस हो गई। तो एड कहता है, मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में ऑलरेडी पता है। तुम जब जॉन के साथ थी तो शायद तुम प्रेग्नेंट हो गए और तुम्हें अबॉर्शन करना पड़ा, और इसी वजह से तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ठुकरा दिया था। इस बात से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी पॉर्न की एडिक्शन है। एमी ने सोचा सच बोलने की वजह से लास्ट रिलेशनशिप उसकी टूट गई थी। वो एड से बहुत ही प्यार करती थी तो उसे सच नहीं बताती, उसी की बात को हाँ में हाँ मिला देती है। एमी हमसे कहती है कि मेरी मदर के झूठ की वजह से मेरे फादर हमेशा खुश रहे थे, तो ये बात छुपाना उसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती। इसके बाद हम देखते हैं कि एमी और एड एक साथ थे, उनकी शादी भी हो गई थी। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस वियर्ड सी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।